आज का जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत सारे भाई हैं जिनको इंतजार है इस वीडियो का। पहले भी हमने बिंगएक्स पे ट्यूटोरियल्स बनाए हैं, लेकिन बड़े सारे भाइयों की रिक्वेस्ट थी कि सर एक बार समझा दो बेसिक्स की, स्पॉट में बाइंग कैसे करनी है, परपेचुअल्स में ट्रेड कैसे करनी है, फ्यूचर्स में ट्रेड कैसे करनी है, कैसे सेल ऑर्डर लगाना है, कैसे टीपी लगाना है, कैसे एसएल लगाना है। तो एकदम बेसिक्स की बात करेंगे, चाहे जो भाई नए आ रहे हैं उनके लिए, चाहे जो भाई यूज कर रहे हैं ऑलरेडी लेकिन उन्हें कुछ कंफ्यूजन है उसके लिए। तो ये हमारा फोन वर्जन रहेगा, टैब पे मैं ले रहा हूँ इसको, क्योंकि मेरे को लगता है 90% जो हमारे भाई हैं फोन पे ही ट्रेड करते हैं, फोन ही यूज करते हैं। डेस्कटॉप पे हम कोई और नेक्स्ट वीडियो बना लेंगे, ठीक है। तो ये सबसे पहले भाई हमारा ये एप्लीकेशन है, हमने इसे ओपन कर लिया। जो भी भाई अभी तक नहीं है यहाँ पे, वो जाके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर लें। फायदा वहां से ज्वाइन करने का ये है कि अभी के लिए आपको वहां पे जो गिव अवे है या फिर बोनस बोल सकते हैं, उसमें सिवाइनू मिल रहे हैं। लगभग 10 लाख के आसपास सिवाइनू है जो आप अगर वहां से ज्वाइन करते हैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप 3 चीजें हैं वहां पे और उसमें वो मिल जाएंगे, ठीक है। सो ये हमारा सैंपल अकाउंट है, ये होम पेज है हमारा, हमने से देखा भाई ये हमारा होम पेज है, कुछ इस तरीके से दिखेगा ये फोन पे। नीचे अगर आप देखोगे तो टूल में आपको एक होम का ऑप्शन दिखेगा, एक मार्केट का ऑप्शन दिखेगा, एक ट्रेड का ऑप्शन दिखेगा, एक अर्न का ऑप्शन दिखेगा और एक तुम्हारा एसेट का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है भाई। हम आ जाते हैं दोबारा से कहां पे, अपने होम पे। अगर मैं लेफ्ट टॉप पे क्लिक करूं तो ये जो है मेरे को मेरी प्रोफाइल दिख रही है ऊपर की, भाई इस तरीके से। मेरे पास फिलहाल कोई वाउचर्स नहीं है, बाकी जो सारी चीजें हैं यहाँ पे है, सपोर्ट का हो चाहे सेंटर का हो हर चीज का। अगर मैं राइट पे बात करूं तो ये मेरे नोटिफिकेशन मेरे को यहाँ पे आ रखे हैं, ठीक है। अब एक काम करते हैं सिंपल सिंपल सा, अच्छा डिपॉजिट और विड्रॉल का जो सीन है वो मैं एक बार लास्ट में रफली आपको समझा दूंगा, डिटेल में हम किसी और वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। इजी है कुछ उसमें टफ ऐसा है नहीं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो हमारे नीचे टूल बार पे सेकंड ऑप्शन है मार्केट पे, हमें क्लिक कर देना है और सबसे पहले समझेंगे कि स्पॉट में हमें कैसे बाइंग करनी है। देखो वैसे तो सबसे ऊपर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमने देखा कि भाई फेवरेट दे रखा है, स्पॉट दे रखा है, फ्यूचर्स दे रखा है। तो मैं यहां से अगर स्पॉट क्लिक कर लूं और स्पॉट में जाके फिर मैं किसी भी चीज पे अगर यहाँ पे क्लिक कर दूं, है ना, मान लो कोई भी मैंने टोकन यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो मेरे को यहाँ सीधा ये बाय और सेल का जो ऑप्शन है बॉटम पे यहाँ पे दिख जाता है। या फिर आप एक चीज और कर सकते हैं कि आप सीधा यहाँ सर्च पे जाइए और सर्च पे जाके अगर आप कोई भी टोकन डालते हैं, जैसे मानिए आपने यहाँ पे BTC डाल दिया, तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे 3 चीजें खुल के आ रही है। सबसे ऊपर लिख के आ रहा है स्पॉट, उसके नीचे आ रहा है लिख के परपेचुअल फ्यूचर्स और उसके नीचे लिख के आ रहा है स्टैंडर्ड फ्यूचर्स। तो मेरे को लगता है कि ये सबसे बेस्ट है। आप वहां कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि यार मैंने कहां चूज करा है उसको, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सीधा सर्च बार पे जाएंगे, आप किसी भी टोकन का नाम डालेंगे और उसके बाद आपको तीनों जो कैटेगरी है वो वहां पे खुल के मिल जाएंगी। और उसके बाद में आपको जो भी पेयर है, जैसे हम BTC USDT में करना है, हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक है भाई। कुछ इस तरीके का हमें चार्ट खुल के दिख गया, हमने करा बाय पे क्लिक, ठीक है। अब कुछ ऐसा इंटरफेस आ रहा है मार्केट, अभी देखो सबसे ऊपर ये बाय और सेल, ठीक है। अब यहाँ जो ये जो ऑप्शन है, हमारे 3-4 ऑप्शन है, एक बार देख लेते हैं। पहला है मार्केट का, मतलब अभी जो करंट प्राइस आपका मार्केट में चल रहा है, अगर आप इस ऑप्शन को रहने देंगे तो उस प्राइस पे जो खरीदारी है वो आपकी हो जाएगी। दूसरा जो आपका है दैट इज लिमिट ऑर्डर। सो लिमिट ऑर्डर इज बेसिकली कि मानिए अभी जैसे जो बिटकॉइन की प्राइस हम देख सकते हैं वो चल रही है 64,516 और आपको ये देखना है कि भाई 60,000 है तब मेरी खरीदारी हो जाए, तो आपने क्या करना है लिमिट ऑर्डर पे जाना है और यहाँ पे ये जो प्राइस है यहाँ पे इसको हटा के हमें क्या कर देना है 60,000 डाल देना है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा तो मेरे को ये क्या करना है यहाँ पे इसको हटा के डाल देना है 60,000। जैसे ही मैंने यहाँ पे 60,000 डाल दिया तो अब ये है कि भाई मेरी जब ये 60,000 पे आएगी तब मेरी जो खरीदारी है वो हो जाएगी, ठीक है। अब और कौन से ऑप्शन है, एक है मेरा TP और SL का, एक है मेरा ट्रिगर का। सो TP SL का सीन क्या है अगेन कि भाई मुझे कहाँ टेक प्रॉफिट लेना है। मानो कि मैंने 60,000 पे खरीदारी कर ली है तो अगर मुझे बेचना है तो कहाँ बेचना है, स्टॉप लॉस लगाना है तो वो मेरे को कहाँ लगाना है, हम सारी चीजें लगा के एक बार चेक करेंगे। सेम गोज विद द ट्रिगर। तो अभी हम क्या करेंगे, हम आएंगे सबसे पहले मार्केट वाले पे और हमने यहाँ देखा कि भाई हमारे पास 10 USDT फ्री है, तो मानो हमने यहाँ पे लिख दिया कि भाई हमें 5 USDT से बाइंग करनी है। हमने यहाँ करा बाय और ऐसा कुछ हमें दिख रहा होगा यहाँ पे, हमने करा क्लिक और ये हमारे यहाँ पे बाय हो गया। आप देख सकते हो कि ऑर्डर जो है बाय हो गया। अब मेरे को ऑर्डर कहाँ जाके देखना है कि बाय हो गया, ये जो नीचे सबसे एसेट का आ रहा है, मैंने एसेट पे क्लिक करा, मैं गया फंड पे और मैंने यहाँ पे देखा कि भाई ये मेरा यहाँ पे सबसे नीचे अगर मैं देखूं तो ये हमारा जो BTC है नीचे ये बाय हो चुका है। अब अगर मेरे को इसको सेल आउट करना है
तो अच्छा, आपको यहाँ बहुत सारे मीम कॉइन्स दिख रहे होंगे। तो जो भाई हैं पुराने जो मेरे साथ में है, उनको बताया कि हमने अभी से कुछ 15-20 दिन पहले, आई थिंक 1 महीने पहले, एक मीम कॉइन का पोर्टफोलियो बनाया था $1,000 का, और मार्केट बहुत नीचे है अभी भी जो हमने बनाया था। मतलब अगर मैं बात करूँ और मीम कॉइन्स में होता तो शायद हम अभी $400-500 पे कुछ होते, लेकिन हमारे पास जो मीम कॉइन्स हैं उन्होंने बहुत सही ग्रो करा है और अभी भी हम लोग $1,000 पे हैं, जब लगभग सारे ही जो पुराने मीम्स हैं वो नुकसान में चल रहे हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या करा भाई, एक हमने खरीदारी करके देख ली, अब अगेन हम जाएंगे यहाँ पे, मैंने लिखा BTC, सॉरी ITC लिख गया, मैंने लिखा ठीक है BTC। और अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को देखो आपको ये ग्राफ पे दिख रहा है भाई मेरी खरीदारी कहाँ हो रखी है, यहाँ हो रखी है। ठीक है, ये मेरा आ गया सेल का ऑप्शन। अब दो चीजें हैं, या तो इधर आप यहाँ से अमाउंट इसमें टाइप कर दो कि भाई कितना अमाउंट करना है, या फिर स्क्रॉलर आप यूज कर सकते हो कि कितने परसेंट आपको बेचना है, ठीक है, या फिर नीचे आप यहाँ डॉलर डाल सकते हो और उससे आप यहाँ पे कर लोगे। मैंने अब जैसे लिमिट ऑर्डर मैंने यहाँ पे लगाया भाई कि मेरे को जैसे ही आ जाता है 70,000 पे तो आई सेल इट आउट, तो मैंने यहाँ लिमिट ऑर्डर लगा दिया, मैंने यहाँ सेल पे क्लिक कर दिया। अब आप देखोगे कि मेरा एक यहाँ ओपन ऑर्डर दिखा रहा है कि जैसे ही मेरा बिटकॉइन जाएगा 70,000 पे तो मेरा जो बिटकॉइन है वो सेल आउट हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे को अगर इसे करंट पे बेचना है तो मैंने क्या करा, इसको यहाँ से मैंने करा कैंसिल, यहाँ मैं गया, मैंने मार्केट को चूज करा, मार्केट बोले तो अभी जो प्राइस चल रही है, मैंने स्क्रॉल को करा 100% कि मेरे को सारा बेचना है, आप इसे मैनुअली भी लिख सकते हैं, मैंने करा सेल BTC, मैंने करा कन्फर्म, और यहाँ से मेरा जो BTC है वो सेल आउट हो गया। आप देखोगे कि अब मेरे पास दोबारा से जो डॉलर हैं वो यहाँ पे आ गए। चलो भाई, तो ये तो स्पॉट का सीन हो गया, होपफुली यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कर देना, उसको और थोड़ा डिटेल में जान लेंगे। अब हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं भैया है कहाँ पे, फ्यूचर्स पे। फ्यूचर्स में हमने दोबारा से लिखा BTC, स्पॉट वाला ऊपर वाला सेक्शन था मेरा, उसके नीचे परपेचुअल फ्यूचर्स, उसके नीचे स्टैंडर्ड फ्यूचर्स। दो चीजें पहले समझा देता हूँ, सो स्टैंडर्ड और परपेचुअल दोनों लगभग एक जैसे हैं। स्टैंडर्ड में एक्सपायरी होती है, मतलब आपने अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है तो उसकी एक एक्सपायरी होगी, और परपेचुअल्स में कोई एक्सपायरी नहीं होती है। सेकंड जो चीज है, फ्यूचर्स का जो फायदा है वो ये है कि जब आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे होते हैं तो आप कोई प्रोजेक्ट या टोकन या कॉइन ट्रेड नहीं कर रहे होते हैं, आप उसका कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड कर रहे होते हैं। तो जब आप उसका कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि ट्रेड कर रहे हो तो वो आपका VDS में नहीं आता है, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में नहीं आता है, तो उस पे उसके हिसाब से टैक्स भी नहीं लगता है। मतलब फिर आपको वहां पे 30% फ्लैट टैक्स, 1% TDS ये सब नहीं देना होता है वहां पे, फिर आपको जो आपकी स्लैब है उसके अकॉर्डिंग वहां पे आपको टैक्स पे करना होता है। तो ये फायदा है हमारा फ्यूचर्स का। सेकंड जो फायदा है वो ये कि भाई मानिए आपके पास अगर $100 है और आपको $10,000 से ट्रेड करना है तो आपको लेवरेज की जो फैसिलिटी है वो फ्यूचर्स में मिल जाती है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम परपेचुअल फ्यूचर्स करेंगे क्योंकि इसमें हमारी एक्सपायरी नहीं होती है। तो स्टैंडर्ड हम नहीं करने वाले हैं, कभी भी नहीं करने वाले हैं, हम सिर्फ करेंगे क्या, परपेचुअल फ्यूचर्स। ठीक है, हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया परपेचुअल फ्यूचर्स पे। अब यहाँ हमें दो ऑप्शन मिल जाते हैं, एक तो लॉन्ग का, एक शॉर्ट का। लॉन्ग बोले तो मैं ये चाहता हूं कि भाई मैं जहां खरीदूंगा मेरे को लगता है यहां से मार्केट ऊपर जाएगी, तो दिस इज कॉल्ड लॉन्ग, कि मैंने भैया 60,000 रुपये BTC को लॉन्ग अगर कर दिया, मतलब मेरा कॉन्फिडेंस है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, फिर 61,000, 62,000, 70,000 जब भी मेरा बेचने का मन होगा वहां पे मैं उसको बेच दूंगा। अगर मेरे को लगता है कि मार्केट नीचे जाएगी तो मैं शॉर्ट कर दूंगा। शॉर्ट बोले तो कि अभी 60,000 रुपये BTC चल रहा है, मैंने अगर शॉर्ट कराया उसको तो वो जैसे जैसे नीचे जाएगा मेरा प्रॉफिट बनेगा। होपफुली क्लियर हो गया। लॉन्ग मतलब ऊपर जाएगा तो फायदा होगा आपका, और शॉर्ट मतलब नीचे जाएगा तो फायदा होगा आपका। चलिए हमने क्या करा, हम लॉन्ग करते हैं यहाँ पे जाके। अब ये थोड़ा सा इंटरफेस जो है इसमें दो चार चीजें हैं, इसको एक बार समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे ऊपर देखोगे USDTM, कॉइन एम और स्टैंडर्ड फ्यूचर्स। स्टैंडर्ड फ्यूचर्स हमें नहीं करना, कॉइन एम की बात किसी और दिन कर लेंगे क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, जिन भाइयों को भी USDTM समझ में नहीं आएगा उनके लिए। बेसिकली कॉइन एम में आप कॉइन्स के पेयर में ट्रेड करते हो, मानो आप BTC ईथर में कर रहे हो, BTC डॉट में कर रहे हो, BTC XRP में कर रहे हो, और USDT में आप USDT के साथ में कॉइन को करते हो। मतलब सीधा ये समझ लो कि जैसे आप पैसे से कोई चीज खरीदते हो वैसा है ट्रेड, तो थोड़ा सा इजी आपको समझ में आ जाएगा। उसके नीचे अगर मैं देखूं तो तीन चीजें मेरे को यहाँ दिख रही है, पहला है ये क्रॉस, फिर ये लेवरेज दिख रहा है मेरे को, फिर हैज दिख रहा है। तो मैंने अगर क्रॉस पे क्लिक करा तो यहाँ पे मेरे को दो चीजें दिख रही है, एक तो दिख रही है क्रॉस, एक दिख रही है आइसोलेटेड। क्रॉस बोले तो अगर मैं क्रॉस पे करके कोई ट्रेड करता हूं तो उस सिनेरियो में क्या होगा कि जो मेरे परपेचुअल्स का वॉलेट है, पूरा वॉलेट मानिए उसमें $1,000 है,
और मैंने कोई एक ट्रेड ले लिया, तो वो जो ट्रेड है वो जब लॉस में आपका जाएगा तो वो 100% से भी नीचे लॉस में चला जाएगा, वो कितना भी नीचे जा सकता है जब तक कि आपका पूरा जो वॉलेट का पैसा है वो जीरो नहीं हो जाता। मतलब मानिए कि आपने कोई एक ट्रेड ले लिया BTC का, $100 से ले लिया, आपके पास $100 हैं और आपने क्या करा 10x से ले लिया, तो जब 10x से आप कोई ट्रेड लेंगे तो वो कितना नीचे जा सकता है, वो 10% नीचे जा सकता है ना। अब अच्छा ये चीज कुछ भाइयों को अगर नहीं समझ में आ रही है तो लेवरेज और लिक्विडेशन की वीडियो हमने एक बना रखी है, आप वो एक बार देख लेना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कितना लेवरेज लेने से कितनी गुंजाइश हमें मिलती है ऊपर नीचे की, और कैसे हम अपने लिक्विडेशन को भी जीरो या फिर बहुत कम कर सकते हैं। तो मानिए आपने 100 रुपीज का था, आपने 10x पे ले लिया तो आपको कितना 10% का मार्जिन मिला, लेकिन आपने क्योंकि क्रॉस में ले रखा है उसको और आपके वॉलेट में तो 1000 रुपए है ना, तो वो पूरा 100% नीचे जा सकता है 1000 रुपए के हिसाब से अगर मैं देखूं, तो वो क्या होगा जैसे ही आपका 10% नीचे जाएगा आपकी ट्रेड के हिसाब से तो 100% नीचे चला गया है, तो अब क्या होगा वो -200 हो जाएगा, -300 हो जाएगा, इस तरीके से वो माइनस माइनस में जब तक जाता रहेगा अंटिल अनलेस योर एंटायर वॉलेट ऑफ फ्यूचर्स विल नॉट बी जीरो। तो ये क्रॉस है, हम क्रॉस में ज्यादातर ट्रेड इसलिए नहीं करते क्योंकि मानिए आपने मल्टीपल ट्रेड्स खोल रखी हैं, तो अगर कोई एक ट्रेड आपकी बहुत ज्यादा लॉस में चली गई तो फिर आपकी सारी ट्रेड जो है वो लिक्विडेट हो सकती है। दूसरा जो हमारा ऑप्शन है दैट इज आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का सीन क्या है कि जो आपने ट्रेड ली है उसमें जितना आपने फंड लगाया है सिर्फ फंड उतना ही यूज होगा, अब चाहे वो लिक्विडेट हो जाए चाहे वो कुछ भी हो जाए, लेकिन आपका जो बाकी का फंड है उसको कोई डिस्टर्बेंस यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है भाई, तो हम क्या करेंगे 90% कोशिश करेंगे आइसोलेट में ट्रेड करने की, लेकिन अगर कहीं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है सिंगल ट्रेड हमारी ओपन है लॉन्ग टर्म ट्रेड है तो वो हम लोग करेंगे क्रॉस में। ठीक है भैया, हमने यहाँ पे आइसोलेट पे कर दिया क्लिक। अच्छा अभी क्योंकि हम देख रहे हैं भाई कि हमारे यहाँ पे अभी कोई पैसा नहीं है, तो हमने सबसे पहले एक बार फिर से जाना है एसेट पे, और एसेट पे जाके यहाँ ट्रांसफर पे जाना है, ट्रांसफर पे जाएंगे फंड से, और यहाँ हम चूज कर लेंगे अपना कौन सा परपेचुअल्स, यहाँ पे ऑल जो हमारा $10 पड़ा हुआ है उसको हमने यहाँ पे कर लिया ट्रांसफर। चलो बढ़िया, अब हमारे पास में क्या है कि फंड्स आ गए होंगे। दोबारा हम मार्केट पे गए, हमने डाला BTC, दूसरा है हमारा परपेचुअल फ्यूचर्स, परपेचुअल फ्यूचर्स पे क्लिक करा, देन हम गए मानो लॉन्ग पे हम जा रहे हैं पहले। ठीक है, वो आप यहाँ से भी कर सकते हो वहां से भी कर सकते हो। ठीक है, पहला हमने आइसोलेट कर दिया, मतलब जो ट्रेड हम जितने की लेंगे उतना ही हमारा यूज होगा। सेकेंड, ये हमारे लेवरेजेस हैं। सो लेवरेजेस इज बेसिकली ऊपर लॉन्ग का दिया है नीचे शॉर्ट का दिया है, मतलब अगर आप 10 रुपए से ट्रेड कर रहे हैं और इसमें कितना दे रखा है इसने, ये थोड़ा क्या कहानी है। हाँ ठीक है, अब ये देखो 10 रुपए से आप ट्रेड कर रहे हैं लेकिन आप उसको कितना बना सकते हैं 125x तक आप उसे यूज कर सकते हैं, मतलब $10 अगर आपके पास में है तो आप ट्रेड कर सकते हैं $1250 तक से, बट ये बहुत रिस्की होगा है ना। तो हम क्या करेंगे, जो भी भाई नए हैं, जो पुराने हैं उनको पता होगा, जो भी भाई नए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि मैक्सिमम जो आपको लेवरेज लेना है दैट इज 10, ये तब जब आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं और ट्रेड आपकी बहुत छोटे टाइम के लिए है, और अदरवाइज अगर आपको नहीं पता है तो जो 3x का लेवरेज होता है दैट इज एन आइडियल लेवरेज मेरे को लगता है, क्योंकि मैंने सबसे ज्यादा जो ट्रेड्स करी हैं चाहे स्टार्टिंग से अभी तक की हो, मैंने 25x पे भी करी है, 35x पे भी करी है, लेकिन सबसे ज्यादा जो ट्रेड है मेरी 90% जो मैंने ट्रेड करी है दैट इज एट 3x। 3x में सीन क्या होता है, अगर आप 3x पे कर रहे हैं तो आपका जो मार्जिन है वो 30% का मिलेगा, ऑलमोस्ट 33% का, और आप किसी भी कॉइन को अगर आप देखोगे तो एक या दो दिन में वो 33% जल्दी से नहीं गिरता है। ठीक है, तो 3x का जो लेवरेज है बेस्ट है, बहुत नए हो 2x पे कर लो कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या कर रहे हैं 3x का हमने यहाँ से लेवरेज ले लिया है। ठीक है भाई, अब ये हो गया, अब ये कि जो हेज वाला सीन है इसको मैं किसी और दिन समझाता हूँ आपको। सो हेज इज बेसिकली एक ट्रेड को जब आप दोनों डायरेक्शन में लेते हो कि भैया पॉजिटिव में जाएगी तो भी हमारी और नेगेटिव में जाएगी तो भी हमारी, लेकिन थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है तो ये मैं किसी और दिन समझाऊंगा, अभी हम बेसिक समझ लेते हैं एक बार। और एक है हमारी वन वे, तो अभी हम इसको बंद करते हैं क्योंकि हमें वेट नहीं करना, और यहाँ पे जाके हम क्या करेंगे $5 हमने यहाँ पे चूज कर लिए भाई कि हम $5 जो है वो यहाँ पे यूज करेंगे। अब देखो आपने यहाँ $5 लिख दिया है, अब यहाँ हल्की सी कुछ डिटेल्स आपको यहाँ पे लिख के आ रही है कि भैया अगर आप यहाँ पे लॉन्ग खोलोगे मतलब ऊपर की साइड में जाओगे तो जो आपका लिक्विडेशन प्राइस है वो लगभग 43,128 के आसपास आएगा, मतलब अगर आप ऊपर जा रहे हो तो प्रॉफिट में जा रहे हो, लेकिन अगर नीचे जा रहे हो तो लगभग 43,000 के आसपास जो है आप लिक्विडेट हो जाओगे अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो।
अगर आप शॉर्ट करते हो, मतलब अगर आप ये कह रहे हो कि नीचे मार्केट जाएगी और मेरे को प्रॉफिट मिले, तो अगर ऊपर 67,000 के ऊपर निकल गई तो फिर आप लिक्विडेट हो जाओगे अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो। अब एक काम करते हैं, हम यहाँ से लॉन्ग खोलते हैं, ठीक है। हम गए लॉन्ग पे, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पहले मिल जाएगी क्लिक करने से कि भैया प्राइस जो है वो कितना है, आपका अमाउंट कितना है, कितने यूएसडीटी के साथ खोल रहे हो, ठीक है, और एस्टिमेटेड आपका जो लिक्विडेशन प्राइस है वो कहाँ पे है। हमने इसे करा ओके, अब हम देख सकते हैं कि भैया हमारी जो ट्रेड है वो यहाँ पे ओपन हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये करना है कि हमें स्टॉप लॉस लगाना है। आपको टेक प्रॉफिट लगाना है लगाइए, मत लगाइए, आप अपनी मर्जी से उसको यूज कर सकते हैं। स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है, ठीक है, अगर आपको लिक्विडेट नहीं होना है तो। अब मानिए जैसे हमने यहाँ ले लिया था, तो एक रफली मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ से हमने एक चार्ट खोल लिया है, ये 4 आवर्स पे हमारा चार्ट है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, ये जो हमारी 4 आवर्स पे हमने इसको खोल लिया भैया, तो ये रफली बता रहा हूँ क्योंकि इसमें इतना दिख नहीं रहा है। तो ये हमारी पहली कैंडल का लो पॉइंट था, अगर हम देखें कहाँ था, 63,876, यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं स्टॉप लॉस। अब कहाँ से लगाएंगे, टीपी एंड एसएल का ऑप्शन यहाँ मिल गया हमें, हमने इस पर क्लिक कर दिया, अब ये आ गया भैया स्टॉप लॉस। कहाँ लगा रहे हैं हम लोग अपना स्टॉप लॉस, 63,000 कितना था, 672 कुछ था, हमने यहाँ भैया अपना टीपी लगा दिया, सॉरी एसएल लगा दिया है। अब अगर आपको टीपी लगाना है तो आप टीपी भी लगा सकते हैं, ये हमने एसएल लगा दिया यहाँ पे पूरे अमाउंट के ऊपर। अब हमें क्या पता चला इस पे, आप जाइए दोबारा से एक बार ओपन ऑर्डर में, हमारा ये आ जाएगा। अगर मैं डिटेल देखूं तो मेरे को भाई ये दिखा रहा है कि देखो अगर 63,672 पे जाऊंगा मैं तो मेरा स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो जाएगा, मेरे को कितना नुकसान हो जाएगा, लगभग 3.48 दिखा रहा है, तो मेरे उतना लगभग 0.14, ये जो नीचे आपको यहाँ दिखा रहा है $0.14 का मेरे को नुकसान हो जाएगा और मेरी जो ट्रेड है वो यहाँ पे क्लोज हो जाएगी। अगर मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया और मेरे लिक्विडेशन पॉइंट को टच कर गया तो मेरा जो पूरा पैसा है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है भैया। टेक प्रॉफिट कैसे लगाना है, दोबारा से हम पोजिशन वाली जगह पे गए, हम गए टीपी पे, हमने करा ओके और टेक प्रॉफिट पे हमने यहाँ कर दिया क्लिक और यहाँ हमने लिख दिया भैया टेक प्रॉफिट आप कितने पे लेना चाहते हो। मान लो आप टेक प्रॉफिट लेना चाहते हो 70,000 पे, हमने 70,000 लिख दिया। कितने अमाउंट पे लेना चाहते हो, पूरे अमाउंट पे लेना चाहते हैं, डन। अब यहाँ आपको दिख जाएगा कि अगर 70,000 टच कर गया तो आपको कितना फायदा होगा, लगभग $1.11 का, ठीक है भाई, हमने यहाँ कर दिया ओके। ओके इसे हटा देते हैं, एसएल हमारा लगा हुआ है पहले से, डन। अब आप देखोगे कि दो आपके यहाँ ओपन ऑर्डर लग गए हैं, एक आपका टेक प्रॉफिट का लग गया है और एक हमारा यहाँ पे लगभग स्टॉप लॉस का लग गया है। अगर मैं देखूं तो मेरा अगर स्टॉप लॉस हिट करता है तो मेरे को नुकसान कितना हो रहा है, $0.14 का, और अगर मेरा हिट करता है टेक प्रॉफिट तो मेरे को फायदा कितना हो रहा है, $0.11 का, मतलब मेरे को ऑलमोस्ट मेरा 1/10 का है कि मेरे को अगर 10% का नुकसान होगा तो 100% का जो मेरा प्रॉफिट है वो यहाँ पे होगा। स्टॉप लॉस वगैरह कैसे रखने हैं वो हम किसी दिन डिटेल में बताएंगे क्योंकि बेसिक है बिल्कुल भाइयों के लिए, तो आज वो सारी चीजें यहाँ पे हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है भाई। अब होपफुली ये सारा आपको क्लियर हो गया। एक आध चीज और यहाँ देख लेते हैं कि क्या बचा जो हम और डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। हमने यहाँ पे भाई ये सारे इंटरफेस समझ लिया है, ठीक है, तो हम ये आ गए, ये सारी चीजें समझ में आ गई होपफुली। एक बार वो देख लो, आइसोलेट में ट्रेड करना है, दूसरा लेवरेजेस का है, लेवरेज आपको एक बार चेक करने हैं। कई बार ऐसा हो जाता है जोस में हमने यहाँ लेवरेज पे क्लिक करा, ऊपर देखा 3x पे लगा दिया है और नीचे जाके शॉर्ट ले लिया, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि शॉर्ट पे तो हमारा 20x खुला हुआ है। इस चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान देना, ये गलतियां मेरे से भी स्टार्टिंग में हुई है, सबसे हो जाती हैं, हेज वाले समय कोई मतलब नहीं है। अब जैसे हमारे जो ऑर्डर्स लग चुके हैं उनमें हम लोग यहाँ से अगर चाहें तो जो हमारे ट्रेडिंग स्टॉप है ये लगा सकते हैं और भी चीजें यहाँ से हम लोग कर सकते हैं, पर हम ट्रेड में जाके कर लेंगे, वो ज्यादा ईजी पड़ेगा हमें, ठीक है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, होपफुली यहाँ से ये सारा हो गया होगा आपका क्लियर। अब एक बार आ जाते हैं भाई कि भाई हमें डिपॉजिट और विड्रॉल कैसे करना है। एक तो है आप यहाँ से कर लें होम पेज पे जाके, यहाँ से आपको सिर्फ डिपॉजिट का ऑप्शन दिखेगा। एक है आप चले जाओ ऐसे क्लास पे, ऊपर जब आप जाओगे तो ये तो हमारा डिपॉजिट का ऑप्शन है। अगर आपको क्रिप्टो करेंसी डालनी है तो वो क्लिक कर सकते हैं, फियाट डालनी है तो वो क्लिक कर सकते हैं। हमने मान लो यहाँ पे डाल दिया क्रिप्टो करेंसी, हमने यहाँ पे यूएसडीटी जाके चूज कर लिया।
अब ये सारे ऑन चेन आ रहे हैं कि आपको कहाँ से लेना है। मान लो आपको किसी भी आपको मान लो TRC20 से लेना है, अब ये आपका भैया एड्रेस यहाँ पे आ चुका है। अगर आप इसको दूसरे किसी एक्सचेंज से किसी वॉलेट से स्कैन करेंगे तो आप स्कैन करो, ये उसको वहाँ पे एड्रेस इसका ले लेगा, जितना भी आपको डालना है सीधा डाल के इसमें आपका सीधा वो पैसा जो है वो आ जाएगा, ठीक है। अब सेकेंड जो तरीका है वो खरीदारी का क्या है वो मैं एक बार यहाँ आपको बता देता हूँ, दैट इज बाय क्रिप्टो पे आप जाओगे तो वहां पे आपको पहला जो ऑप्शन है वो मिल जाता है कार्ड का, ठीक है, ये डिटेल में मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। दूसरा जो ऑप्शन है वो आपको मिल जाता है P2P का। सो अभी तक के लिए मेरे को जो सबसे फीजिबल लगता है वो P2P का ऑप्शन है, क्योंकि वन ऑफ द ट्रेडिशनल है, पुराना है सबसे कि भाई P2P के थ्रू पेमेंट्स होती हैं, ठीक है। बाकी ट्रस्ट वर्दी है, आप यहाँ पे जाके इनके बारे में पढ़ सकते हो किस तरीके से इनके रिव्यूज हैं, किस तरीके का इनका क्या रहा है। बाकी बिंगेक्स कोलेटरल भी रहता है तो बहुत ज्यादा वहां पंगा नहीं है अगर आप वहां जाके P2P करते हैं तो, ठीक है भाई। तीसरा जो है हमारा वो फैट डिपॉजिट का है, तो फैट डिपॉजिट मेरे हिसाब से अभी यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा INR में, वो सिर्फ अभी आपका यहाँ पे यूरो में, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ब्राजीलियन और इनमें है खाली, ठीक है। तो ये ऑप्शन अभी यहाँ पे नहीं है। अच्छा, अब एक बार बात कर लेते हैं, बहुत सारे भाई ये कह रहे थे कि भाई हम ये जो विड्रॉल है ये अपने बैंक अकाउंट में सीधा कैसे करें, तो भाई विड्रॉल जो है वो बैंक अकाउंट में सीधा पॉसिबल नहीं है अभी तक, क्योंकि जो फॉरेन एक्सचेंजेस हैं जो INR में ट्रेड नहीं करा रही हैं, वहां पे जो बाइंग है INR की वो सिर्फ P2P के थ्रू ही पॉसिबल है, तो जो सेलिंग है वो भी P2P के थ्रू ही वहां पे पॉसिबल है। मतलब अगर आपको मानिए आपके पास $1,000 है या फिर आपके पास एक बिटकॉइन है, वो बेच के आपको अगर अपने अकाउंट में लेना है तो आपको एक बिटकॉइन को बेचना होगा पहले, वो जितने भी डॉलर का बिकेगा, मान लो 65,000 का मिला, 70,000 का मिला, उस डॉलर को फिर आपको P2P के थ्रू पहले वो निकालना पड़ेगा और वो फिर आपके अकाउंट में वहां से पैसा आएगा। और एक और जो तरीका है वो ये है कि कुछ इंडियन एक्सचेंजेस ऐसी हैं जो ये ऑफर करती हैं कि भाई आप ट्रेड वहां कर लो, क्योंकि देखो हर तरीके से ट्रेड करने के मामले में फॉरेन एक्सचेंजेस बेस्ट है, तो आप ट्रेड वहां कर लो, लेकिन जब सेल आउट करके एग्जिट मारने की सोचो तो वहां USDT में सेल आउट करके ऑन चेन ट्रांसफर करके इंडियन एक्सचेंजेस पे ले आओ और वहां पे फिर उसको सीधा अपने अकाउंट में वहां से आप कर सकते हो। ऐसी कुछ इंडियन एक्सचेंज है जिनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे डिटेल में किसी दिन, ठीक है। तो मानो अभी यहाँ पे क्या है, ऑन चेन वाला सीन है, हमने विड्रॉल पे क्लिक करा, हम गए ऑन चेन और ऑन चेन पे हम आके अगेन सेम भाई USDT का जो एड्रेस है वो डालना है, आपको नेटवर्क कौन सा है वो डालना है, कितना आपको फंड ट्रांसफर करना है वो डालना है और यहाँ से वो चीज आप सीधा सीधा कर सकते हो। तो आई होप कि ये जो सारी चीजें हैं ये सबको समझ में आ गई होंगी। अगर कोई डाउट यहाँ रह गया है तो आप कमेंट कर देना, मैं एक बार वो सारी चीजें भी आपकी क्लियर कर दूंगा। इसके ऊपर हमने जो और ट्यूटोरियल बना रखे हैं, लेवरेज हो, लिक्विडेशन हो, फंडिंग फी किस तरीके से कटती है, ट्रेडिंग फी किस तरीके से कटती है, हर चीज का एक एक हमने ट्यूटोरियल बना रखा है, वो एक बार आप जाके देखो तो आपको जो बेसिक्स है वो और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू।